नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेश्वर। शुरुआत एक अहम खबर के साथ नैनीताल से मिल रही है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते पॉलिथीन के प्रयोग का स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, प्रतिबंधित होने के बावजूद कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिथीन का, ये सवाल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है। इसका जवाब हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा है। आपको बता दें कि पॉलिथीन पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद पॉलिथीन का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता राजू पांडे हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, एक तरफ सरकार ने पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया, लेकिन बावजूद इसके इसका इस्तेमाल हो रहा है, अब हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए प्रांती, निश्चित रूप से ये बड़ी चिंता की बात है कि हाईकोर्ट ने आज एक ऐसे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिस पर राज्य सरकार पहले से ही अपना एक आदेश जारी कर चुकी है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से पॉलिथीन के प्रयोग पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध कर दिया, उसके बावजूद धड़ल्ले से पॉलिथीन का प्रयोग किया जा रहा है। इस पूरे मसले को लेकर हाईकोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार से कहा है कि 2 सप्ताह के भीतर सरकार बताएं कि प्रतिबंधित होने के बावजूद कैसे धड़ल्ले से पॉलिथीन का प्रयोग किया जा रहा है, कैसे ये बिक्री इसकी हो रही है। तो एक तो इसको इस पर कोर्ट ने एक चिंता गंभीर चिंता भी इस पर जाहिर की है। कोर्ट ने कहा पॉलिथीन से ना केवल इंसान प्रभावित हो रहा है, बल्कि इसका जो कुप्रभाव है वो जंगली जानवरों पर भी पड़ रहा है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं प्राची कि हाईकोर्ट ने जो पॉलिथीन को लेके एक बड़ा संज्ञान यहाँ पर लिया है और यहाँ का जो पर्यावरण है उसको लेके कोर्ट निश्चित रूप से सजग है और एक प्रहरी की तरह कोर्ट ने काम किया है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस क्या इस अपना जो शपथ पत्र है उसमें क्या कुछ जवाब इसमें दाखिल करती है। प्राची, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजू, बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में हुए आपदा किट घोटाले की एसआईटी से जांच कराने पर मंत्री अरविंद पांडे पलट गए हैं। अब इस मामले की विभागीय जांच होगी। बताया जा रहा है कि गृह विभाग ने एसआईटी से जांच कराने की फाइल को वापस लौटा दिया है। सत्ता के गलियारों में चर्चा ये भी तेज है कि प्रधानों की नाराजगी और बीजेपी के अंदरूनी सियासत का दबाव रहा। मेरा उद्देश्य यह है कि आम जनमानस का जो पैसा है, देश का पैसा है, इसका मिसयूज ना हो, और वो मैं नहीं होने दूंगा किसी कीमत पे, चाहे इसके लिए किसी हद तक जाना पड़े। मैं विभागीय जांच कराऊंगा और समर्थ अधिकारियों से इसकी जांच कराऊंगा, ताकि जो लोग जिन्होंने जनता के पैसे को अपना पॉकेट मनी बना के खाया है उस पर अंकुश लगे और आने वाले टाइम में जो पैसा है इसका मिसयूज ना हो, सदुपयोग हो, इस नाते हम जाँच कराएंगे। कुलदीप नेगी जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुलदीप, ऐसी क्या वजह रही कि पहले एसआईटी जांच की बात कही जा रही थी, जोर शोर से सरकार इस ओर कदम उठा रही थी, अब पलट गए हैं खुद विभागीय मंत्री और विभागीय जांच की बात कही जा रही है? देखिए बिल्कुल, पंचायतों की जो एसआईटी जांच का फैसला था उसको लेकर पंचायती मंत्री अरविंद पांडे ने बड़े बड़े दावे किए थे कि पारदर्शिता लाने के लिए ये जांच करवाई जा रही है और एसआईटी जांच के जरिए दूध का दूध पानी का पानी होगा, पंचायतों में किस तरीके से जो तमाम सारा पैसा चौधरी वित्त के जरिए मिला है उसको खर्च किया जा रहा है, या फिर उनमें अनियमितताओं के जो बीच में बात सामने आई थी कि आपदा किट में घोटाला हुआ था, तो उन तमाम सारे इश्यूज की एसआईटी जांच के निर्देश दिए थे और इसमें संस्तुति भी हुई थी, लेकिन गृह विभाग ने फाइल लौटाई। उनका कहना है कि विभागीय जांच इसमें पहले हो जाती, जो अनियमितताएं थी वो पहला इशू है। दूसरा बड़ा इशू जो निकल कर आ रहा है, हालांकि स्पष्ट तौर पर कोई कहना इसमें नहीं चाहता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें एक दबाव भी कहीं ना कहीं था, जिस तरीके से ग्राम प्रधान, जो तमाम सारे ग्राम प्रधान इस जांच को लेकर नाराज थे, खफा थे, उनका ये कहना था कि इसके जरिए कहीं ना कहीं एलिगेशन तमाम सारी पंचायतों पर लग रहा है, छवि सही नहीं जा रही है, और दूसरी बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स भी थी, बीजेपी के बहुत सारे नेता जो लगातार निचले स्तर पर भी पंचायतों से टच में रहते हैं, चूंकि पंचायत से ही आगे चलकर जो चुनाव के रास्ते हैं वो साफ होते हैं, तो लिहाजा बीजेपी के नेता भी बहुत सारे इस जांच के आदेश को लेकर खुश नहीं थे। उनका कहना था कि केवल जांच उन पंचायतों की होती बेहतर था कि जिनमें अनियमितताएं सामने आई है, लेकिन अब जो ये फैसला है इसके जरिए कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा और जो प्रधान है वो भी नाराज होंगे, तो लिहाजा इतने बड़े पैमाने पर नाराजगी प्रधानों की मोल लेना, बीजेपी नेता भी इसे सही नहीं मान रहे थे, और यही बिल्कुल अंदरूनी दबाव भी था और कहीं ना कहीं जो प्रधान थे वो भी विरोध में आ गए थे, और शायद यही वजह रही कि अब एसआईटी जांच नहीं होगी, पहले विभागीय जांच इस पूरे मामले की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप तमाम जानकारी के लिए।
उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। सीएम योगी ने फर्रुखाबाद, कानपुर और उन्नाव का दौरा किया। उन्नाव में उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी और कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सरकार हर संभव मदद करेगी और प्रशासन को हर जिले में पहले से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। उन्नाव में उनके साथ साथ सांसद साक्षी महाराज और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी मौजूद रहे। नदियों का उफान, वाराणसी में जबरदस्त कहर बरपा रहा है। सभी 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है और घाट किनारे दर्जनों छोटे बड़े मंदिर डूब गए हैं। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का स्थल बदल दिया गया है, जबकि हरीश चंद्र घाट के छतों और सीढ़ियों पर शवदाह हो रहा है। प्रशासन ने गंगा में छोटी बड़ी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार गंगा में गश्त कर रही हैं। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और सभी सरकारी स्कूलों में प्रांगण को भी शिविर के रूप में तैयार करने के निर्देश दिए गए। में जितनी भी नदियां और उनके ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज जो बह रही हैं, उन पर लगातार हम लोग नजर रखे हुए हैं। वर्तमान में कोई भी नदी खतरे से ऊपर नहीं बह रही है। ये अवश्य है कि जलस्तर विगत 3-4 दिनों में बढ़ा है। उसी दिशा में हम लोगों ने बोटों का संचालन बंद कर दिया है। जैसे जैसे स्थिति निकल के आती है, हम लोग उस दिशा में अपने सुरक्षात्मक कार्रवाई या अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पे हम लोग को राहत कार्य भी करने की आवश्यकता पड़ती हो, उसके लिए लगातार हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। एससीएसटी एक्ट में संशोधन को लेकर सवर्णों के प्रदर्शन को बीजेपी और आरएसएस की साजिश बताया। मायावती ने आरोप लगाया है कि ज्यादातर सवर्णों के प्रदर्शन का असर बीजेपी शासित राज्य और जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें ही हुआ। मायावती के मुताबिक बीजेपी का जनाधार घट रहा है, इसलिए समाज को बांटने की राजनीति हो रही है। कल खासकर बीजेपी शासित राज्यों में इस SC ST एक्ट की बहाली के विरुद्ध कुछ संगठनों के जरिए किया गया भारत बंद, ये पूरे तौर से इनकी सरकारों द्वारा पर्दे के पीछे से प्रायोजित बीजेपी व आरएसएस का जातिवादी व अपने राजनीतिक स्वार्थ एवं लाभ के लिए इनका कोरा चुनावी षड्यंत्र है। इनका जनता के असली व ज्वलंत मुद्दों पर से ध्यान बांटने का भी कल रहा असफल इनका ये प्रयास है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि कल बंद का ज्यादातर असर हमें उन्हीं राज्यों में देखने के लिए मिला है जिन राज्यों में बीजेपी की अकेले या फिर बीजेपी व इनके सहयोगी दलों की मिली जुली सरकारें चल रही हैं, तथा जिन राज्यों में कुछ ही महीनों में विधानसभा के आम चुनाव भी होने वाले हैं। और वैसे भी अब देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव भी बहुत नजदीक रह गए हैं। SC ST एक्ट के विरोध में सवर्णों के प्रदर्शन को मायावती ने बीजेपी की साजिश बताया तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में सवर्णों के प्रदर्शन के पीछे विपक्ष का हाथ है, जिससे बीजेपी सरकार को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि मायावती जातिवाद बढ़ा रही हैं। साथ ही अठावले ने कहा कि सवर्णों को समाज में एकता बढ़ाने के लिए आरक्षण देने के लिए सभी पार्टी को आगे आना चाहिए। बीजेपी का जहां शासन है वहां बंद हुआ, इसका मतलब यह है कि वहां का बीजेपी के शासन को विरोध करने के लिए और आने वाले चुनाव में अपने राजनीति में उल्लू सीधा करने के लिए कुछ लोगों ने जानबूझकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। और इसमें जो अपोजिशन के लोग हैं उसका उसमें ज्यादा हाथ है। तो बीजेपी के राज्यों में इसलिए हुआ है कि वहां लोग बीजेपी का जानबूझकर विरोध करना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं। लेकिन अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों राज्य में बीजेपी चुनकर आई सरकार जातिवाद बढ़ा नहीं रही है, सरकार जातिवाद खत्म कर रही है, लेकिन मायावती जातिवाद बढ़ा रही है। और मुझे लगता है कि सरकार को जातिवाद बढ़ाने का कोई विषय नहीं है। दलितों के हित के बाजू में जब दलितों ने मांग किया
और इसीलिए एट्रोसिटी एक्ट का कानून पास करने का निर्णय सरकार ने ले लिया। इसीलिए मुझे लगता है कि दलितों की हित का विचार करते हुए सरकार बाकी के लोगों का विचार कर रही है। एससी एसटी एक्ट को लेकर सवर्णों के विरोध पर कल चुप्पी साधे नेताओं ने आज अपने अपने सियासी माइलेज के हिसाब से सियासत शुरू कर दी है। पहले मायावती के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि मायावती कभी किसी का हित नहीं सोच सकती और अब कांग्रेस बीजेपी को ही आंदोलन का सूत्रधार बता रही है। देखिए, मायावती जी केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो अराजक तत्व है उन्होंने अराजकता की कोशिश की। प्रदेश की पुलिस ने, प्रशासन ने कानून व्यवस्था संभालने का काम किया और शांति से। देखिए, इस संबंध में सरकार को सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर समाज का कोई भी वर्ग भयभीत हो या असंतुष्ट हो तो सरकार उसको संतुष्ट करे। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के बढ़ते हमलों पर सूफी संघ एकता दल के अध्यक्ष शाह सैयद हसनैन बकाई ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी अपने बयानों से इस्लाम को तार तार कर रहे हैं और सिर्फ सीबीआई की जांच से बचने के लिए मुस्लिमों पर घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि रिजवी शिया और सुन्नी समाज को बांटने में लगे हुए हैं। हम तमाम सुन्नी सूफी उलमा इस चीज़ के लिए राजी हैं कि जिस तरह भी जैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसके ऊपर राजी हैं, हम उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन वसीम रिजवी साहब कोई नहीं होते कि वो ज़मीन को दान करने के लिए आगे बढ़ें। दूसरी चीज़, ये सब इनके जो बयानबाजी हैं वो सीबीआई जांच से बचने के लिए हैं। ये जो भी बयानबाजी कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। सरकार इसको कोई भी समर्थन नहीं दे रही है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। 2019 को लेकर फैजाबाद में अपना दल की बैठक हुई जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और यूपी के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी भी शामिल हुए। इस मौके पर अनुप्रिया पटेल ने केंद्र सरकार से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन करने की मांग की। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लोगों की नाराजगी जायज है मगर सरकार समाधान की कोशिश में जुटी है। तो वहीं एससी एसटी के सवाल पर कहा कि उत्पीड़न किसी का नहीं होगा। देखिए, मैं कारण की चर्चा तो नहीं करूंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूंगी कि जनता में असंतोष है और होना भी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार इन विषयों पर पूरी तरीके से चिंतित है और इन विषयों का समाधान निकालने का प्रयास कर रही है और जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी नियंत्रण होगा और रुपए की स्थिति भी ज़्यादा मजबूत होगी। इतना बड़ा लोकतंत्र है, इसमें बहुत सारी समस्याएँ हैं, इतने बड़े देश की तमाम चुनौतियां हैं, समस्याएं आती हैं, सरकार उनका कोई ना कोई समाधान निकालती है और इन समस्याओं का भी समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान बेटे के साथ दही हांडी फोड़ते दिखाई दिए थे जिसे लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने प्रतिक्रिया दी। देवबंदी उलेमा सालिम अशरफ कासमी ने कहा कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है, यहां एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना इंसानियत का सबूत देना है। इस्लाम इससे किसी को नहीं रोकता, लेकिन किसी दूसरे धर्म का त्योहार मनाना उस आदमी को धर्म से निकाल देता है। हालांकि ये पूछे जाने पर कि क्या देवबंद ने इस पर कोई फतवा जारी किया है तो उस पर सालिम अशरफ कासमी ने कहा, अभी तक देवबंद ने कोई फतवा जारी नहीं किया है, लेकिन ये मुस्लिम होने और गैर मुस्लिम होने का सवाल है। इंसानियत की बेस पर शरीक होना चाहिए, उस रस्म को अपने यहाँ बनाना या उसके शरीक होना आदमी को उस धर्म से निकाल देती है, चाहे वो कोई भी। फिलहाल जिस उसका आप नाम ले रहे हैं उनके मुतालिक दारुलूम से या उससे कोई फतवा तो जारी नहीं हुआ, लेकिन ये इस्लामी और गैर इस्लामी होने का सवाल है। लखनऊ में रियल स्टेट का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसको लेकर रियल स्टेट कारोबारी जेकेवी लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आरोपी बिल्डर पर सस्ते मकान दिलाने के नाम पर निवेशकों के 700 करोड़ ठगने का आरोप है। बीती रात से कंपनी के डायरेक्टर के घर समेत तीन ठिकानों पर छापेमारी की गई। कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। जानकीपुरम में कंपनी के ऑफिस से 25 लाख नकद बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण कागजात भी बरामद किए गए हैं। कंपनी के डायरेक्टर पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर ठगी के भी आरोप।
उत्तराखंड क्रिकेट के खिलाड़ियों का सिलेक्शन विवादों में घिरता जा रहा है। अंडर 19 खिलाड़ियों के सिलेक्शन शुरू हो गए हैं, जिसमें करीब 1000 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। खिलाड़ियों के सिलेक्शन की जिम्मेदारी दिव्य नौटियाल के क्रिकेट एसोसिएशन को दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने दूसरे पदाधिकारियों से कोई चर्चा नहीं की। ऐसे में चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। क्रिकेट की अंडर 19 टीम का ट्रायल शुरू हो गया है और यहीं से इनका सिलेक्शन होगा, जो 2 अक्टूबर को सिक्किम में अंडर 19 टीम के खेलने के लिए यहां से जाएंगे। तो यहां पर गढ़वाल के जितने भी जिले के खिलाड़ी हैं वो पहुंच चुके हैं और उनका यहां पंजीकरण हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे कि आखिर वो किस तरह से तैयारी करके आए हैं। सर, आप बताइए कि अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हुआ और किस तरह के खिलाड़ी आ रहे हैं, खासतौर से कौन कौन से जिले हैं? इस समय जो प्रतियोगी ट्रायल का अभी चल रहा है, पौड़ी और टेहरी, उत्तरकाशी, टेहरी उत्तरकाशी का अभी फर्स्ट फेज में ट्रायल चल रहा है। इसमें अभी तक जो रजिस्ट्रेशन मैंने की है 200 लड़कों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो अभी वहाँ पर ट्रायल देने जाएंगे। इसके बाद और नीचे के डिस्ट्रिक्ट जैसे रुद्रपुर, खिलाड़ियों का किस तरह का उत्साह है? खिलाड़ियों का उत्साह तो बहुत ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी खासी, आप लोग देख भी रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है और पहली बार हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह है यहाँ पे। तो जो खिलाड़ी आए हैं उनसे ही जानते हैं कि आप लोग कितना उत्साहित हैं। पहली बार अंडर 19 हो रहा है, वो आप भी सिलेक्शन के लिए आए हैं? जी हाँ, हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि 18 साल हमने इंतज़ार किया है, मेरी तो एज 18 है, तो 18 साल हमने इंतज़ार किया है, तब जाके BCCI के सम्मानित मेंबरों द्वारा उत्तराखंड को मान्यता मिली है और हम अंडर 19 के लिए पूरे तैयार हैं और ट्रायल देने के लिए तैयार हैं। ट्रायल के लिए तैयार है, आप बताइए कि पूरे बैट बॉल के साथ में आए हैं, कितनी तैयारी है, 18 साल का वक्त लगा? हाँ जी सर, हमने काफ़ी तैयारी की है, हमने काफ़ी मेहनत की है, हम काफ़ी वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और हम चाह रहे थे कि उत्तराखंड बोर्ड को जब BCCI मान्यता देगी तो हमारा सिलेक्शन जरूर जो है टीम में होगा, तो काफ़ी बढ़िया तैयारी है सभी लड़कों की। अंडर 19 की जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से उत्साहित है और यहाँ पर उनका ट्रायल चल रहा है। फिलहाल देखना यह है कि इनकी प्रतिभा 2 अक्टूबर को ये कैसे सिक्किम में दिखाते हैं। कैमरा पर्सन गोविंद सिंह के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। आज हमारे पास 637 लड़के रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें से हम लोगों ने आज कोशिश की है कि जो देहरादून और हरिद्वार से आउट अदर स्टेशन के हैं तो उनका ट्रायल पहले हो जाए। हमारे पास 3 दिन है इसमें भी सिलेक्शन के लिए, एक आज है, कल है और परसों है। तो कल हम लोग देहरादून, विकासनगर और हरिद्वार वाले लड़के कंसिडर करेंगे, देन हम लोग फाइनल में दोनों को मिला के उसमें से एक टीम बनाएंगे। हमारे हिसाब से तो अभी जो मतलब सोच रहे हैं कि जो अभी जो बाहर के लड़कों का जो ट्रायल हो रहा है, जो उत्तराखंड मतलब के जो इंटीरियर्स के लड़के आ रखे हैं, उनमें से कम लड़के जो छाटे जाएँ 60-70 के आसपास जो होंगे, अच्छे जो निकल रहे हैं उनमें से देखा जाएगा, उनके नाम सेलेक्ट करेंगे जो फाइनल लिस्ट में जाएंगे, उसके बाद वो 2-3 बाद जाएंगे। यूपी पुलिस अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में लगातार बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार होता नहीं दिख रहा। इलाहाबाद के बिघैया गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। सोराव थाना इलाके का ये मामला है। वारदात के बाद से इलाके में सनसनी है। बीती रात अपराधियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस हत्याकांड में 7 साल के बच्चे सहित 4 लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया है, जबकि एक नवजात बच्ची जिंदा बच गई है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोगों ने जब घर में देखा तो 4 लोगों की खून से सनी लाश बिस्तर पर पड़ी थी। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया तो उसे स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। सैकड़ों की संख्या में मौके पर जुटे लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताने लगे। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। हमको नहीं पता, हम तो बाद में सुबह आए हैं। आपके लोगों की मौत हुई यहाँ पे, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कौन कौन हैं ये लोग? अब इनका नाम नहीं, महिलाएं हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष, कितने लोग हैं? अरे एक बिटिया दामाद है, तो पंखा नीचे करते हैं, उनका है, ये है, एक बच्चा है बिटिया के दामाद। 4 लोगों की मौत हुई। हाँ, 4 लोग।
कानपुर में एक छात्रा ने प्रतियोगी परीक्षा में लगातार असफल होने पर खुदकुशी कर ली। छात्रा ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। घटना आजाद कुटिया की है, जहां छात्रा आकांक्षा घर पर अकेली थी और परिवार के सदस्य सभी बाहर गए हुए थे। जब आकांक्षा की मां घर वापस लौटी तो आकांक्षा का शव उसके कमरे में फंदे से झूल रहा था। दरवाजा तोड़कर छात्रा के शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। आकांक्षा ने मरने से पहले दीवार पर एक मार्मिक सुसाइड नोट लिखा। उसने लिखा कि मम्मा एंड पापा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपनी लाइफ से। मैं ऐसे घर में नहीं बैठे रह सकती। अनएम्प्लॉयड होने की वजह से लोगों के ताने अब मुझे बर्दाश्त नहीं होते। लव यू मम्मा एंड पापा, लव यू ब्रो, योर डॉटर। बताया जा रहा है कि आकांक्षा एसएससी और बैंक के पिछले लंबे वक्त से तैयारी कर रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, और जबकि उसके साथी छात्राएं सफल हो गई और इसी बात से वो काफी दुखी रहने लगी। तो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने की वजह से एक छात्रा ने घर में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी और घर की दीवार पर ही एक मार्मिक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। मेरठ में सरधना के राधरना गांव में एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। लड़का और लड़की अलग अलग समुदाय के थे, इसलिए घर वालों को दोनों का ये रिश्ता मंजूर नहीं था। बताया जा रहा है कि लड़का लड़की के घर पहुंच गया। इसी दौरान दोनों को घर वालों ने एक साथ देख लिया। इसी वजह से दोनों ने जहर खाकर जान दे दी। हालांकि इस दौरान गांव के ही एक डॉक्टर पर लड़की के इलाज में लापरवाही के आरोप में भीड़ ने हमला कर दिया और तोड़फोड़ कर डाली। डॉक्टर की यहां हुई तोड़फोड़ की वजह से उसका मुस्लिम होना भी हो सकता है। दो संप्रदायों से जुड़ा मामला होने की वजह से भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। राधना गांव थाना सरधना के अंदर आता है। इसमें कल दोपहर बाद में एक लड़का लड़की ने जहर खा लिया। दोनों में आपसी संबंध बताए जा रहे थे। उसकी दोनों की ही मृत्यु यहाँ मेरठ में लाने के बाद हो गई। रात में लड़की को पीएम करा दिया गया है और उनका दाह संस्कार हो चुका है। उसके बाद कुछ जो दिक्कत हुई थी उसमें जो मिस्क्रियंट्स हैं उनको पहचान कर ली गई है। खिलाफ कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इसके अलावा दोनों के परिजनों की तरफ से कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखाई गई है और पुलिस को जो का लीगल एक्शन लेना, पुलिस लीगल एक्शन ले रही है। अमरोहा लुहारी भूड़ गांव में सड़क विवाद में दबंग परिवार की गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद हो गईं, जिसमें ये दबंग परिवार खुलेआम हथियार लहराकर लोगों को धमका रहा है। पर इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि गांव वालों के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसे लेकर गांव के लोगों ने पुलिस पर आरोपी पक्ष से मिलीभगत का आरोप लगाया, जिसकी वजह से परेशान गांव वाले न्याय के लिए एसपी दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब एसपी ने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। राइफल दी अद्धी भी थी अवैध, फिर हम घर को आगे घर आने के बाद में उन्होंने फिर घर रोड़ा बजाए और तमंचों से राइफल और अद्धे जो थे उनके पास में अद्धी बंदूक थी प्राइवेट, उनसे फिर घर आएगा फायरिंग करिए हमारी छत पर चढ़ने हैं, जिसकी वीडियो हमने जो आप लोग उनको देख पुलिस को भी सौंप दी है, इंस्पेक्टर को सौंप दी है। अब इंस्पेक्टर ने उल्टा हम पे ही मुकदमा कर दिया, गांव वालों पर जिनका कोई मतलब नहीं, चक्रोड़ था कुछ नहीं, उन पर उल्टा मुकदमा कर दिया। इंस्पेक्टर ने पैसा खाकर उल्टा मुकदमा कर दिया गांव वालों के खिलाफ जिनका कोई मतलब नहीं था। उत्तरकाशी से शादी के लिए लड़कियों की तस्करी की का मामला सामने आया है। मामला बड़कोट थाना इलाके का है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक नाबालिग को पंजाब नंबर की गाड़ी से हरियाणा ले जाया जा रहा था, जहां से उसकी शादी कराई जानी थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा के हैं, जो कि एक नाबालिग लड़की को वहाँ बहला फुसला कर पकड़ के ले जा रहे हैं। एक चेकिंग के दौरान बड़कोट में बड़कोट कराई पे चेकिंग के दौरान एक पंजाब नंबर की टाटा सुमो आई, उसको रोकने पे देखा कि 4 पुरुष और 2 महिलाएं और एक लड़की थी। उनसे पूछताछ करने पे पता लगा कि ये लोग हरियाणा के हैं। उनको अरेस्ट वगैरह करके थाने में ले आए और उनसे पूछताछ की जा रही है।
उधर लखनऊ में यूपी पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों की वर्दी में बदलाव किया है। अब राजधानी में तैनात सभी महिला पुलिसकर्मी इस नई वर्दी में नजर आएंगी। हालांकि अभी सिर्फ ये वर्दी लखनऊ पुलिस में तैनात महिला पुलिस कर्मचारी ही पहनेंगी, लेकिन कुछ वक्त बाद इस प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। जी यूपी यूके सबसे पहले आपको दिखा रहा है लखनऊ पुलिस की महिला पुलिस कर्मचारियों का ये नया अंदाज। तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जीयूपी उत्तराखंड पर, ये वो नया अंदाज है जो अब यूपी में महिला पुलिस कर्मियों का होगा। ये नई बदली हुई ड्रेस है। हालांकि अभी लखनऊ में ही महिला पुलिस कर्मी इस नई ड्रेस में दिखाई देंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।